थारे मार देने नेगे बस देखे आ जाए कि यकीनन कोठियां बंगले महल बंदा बना लवे उन्दे जितना रिश्तेदार दोस्तों भैन भाई व्हाट्सएप से लिंक शेयर भी कर दो। तो अज सुबह ला तो मैं ट्राई की जा रही थी लेकिन मेरे को ब्लॉग नहीं बन रहा है क्योंकि ना मोबाइल में थोड़ी खराबी बनी कोती है कि कभी कभी ना ए कैमरा है ऑन ही नहीं होंगे है पता नहीं की वजह बन जाती फिर इनू बिचू जो क्लीयर करना पैंता बिचू जो डस्ट वगैरह है सारा इन कटना पैंता पुरानी वीडियो वगैरह फिर जाके किधरे चलता है स्पेस भी नहीं फुल होंगी वैसे ना वायरस वगैरह बन जाती जिस वजह तू ना कैमरा वगैरह जो चलता नहीं है पता नहीं की वजह हैगी इनू तो इंशाल्लाह ताला ये मोबाइल जिहड़ा है इनू ठीक कराने की बैक साइड जी टुटी हुई सी इस वजह तू आंदा है की वजह हैगी इनकी पता नहीं मैनू नहीं समझ आ रही हैगी ये मिस्त्री जो दिखाना है ना उदो पता चलेगा। तो बाकी अज जाना सीगा खाला जाने वाले मैं इस परेशानी के उदे भी नहीं जा पाया तकरीबन 12:30 बज गए ने गए सानू उदे जावन तो तकरीबन लग जाने 45 मिनट अगर इतों जाइए तो 1:30 बजे बिजली चली जानी है तकरीबन समझ लो कि उत्तर सानू बहद उठी तक ना 1:30 बज जाना बिजली चली जानी है। तो अम्मी जान कह रही ने हूँ आप 2:30 बजे जावे 2:30 बजे उत्तर उन्होंने को जावे तकरीबन समझ लो कि 1.5 घंटे च खाला जाने वालों होकर वापस आना है फिर जाके प्री शोर ट्यूशन भी छड़ आना 4 बजे। तो खाना वगैरह जो दोपहर का पका लें आगे तो उधर अबू जान जे ने घर ही फिर दिन तुम पता ही है कि हूँ घर ही इन्होंने रहना है जितना तक ना बाकी मुश्किल हल नहीं आदि कल दे जिहड़ा ना 3-4 बंदे दी कॉलां वगैरह आईयां ने लेकिन उन्होंने अबू जान ने ही कहा तुहानू ना 1 महीने दे विच विच ही दिंदे आ कोई किधरों अरेंज करके। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत करते रहना असीं लगातार चैनलों पर तो अल्लाह पाक कामयाबी देवेगा सारिया जो मुश्किल नहीं गिया आसान हो जाएगी जे अगर उस तरह ना होया तो बाकी कोई चीज़ वेच देवे घर की चीज़ की बेचनी है कि कोई भी इतों अद्धी जमीन वेच देवे घर की वो जो कोई करा जे अगर ज़्यादा मजबूरी बनी तो करते तो फिर लाने ने ना तो बंदा इतों उंज भी बंद मैं तो कहना आ गया अबू जान में जे अगर ना ना किधरों यकीन कर जो वसीला वगैरह बनया ये वेच देवे किधर अगर किराए पर रहना पे करे मुश्किल जड़िया ने टलन गियाँ फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जमीन वगैरह भी किधरों लै घर वगैरह बना लवेंगे अगर ना साढ़े को गुंजाइश बनी ना उंज कर्जे वगैरह लावन की फिर घर ही आखिरी ऑप्शन होना है ये वेच के तो शहर के उत्तर किधरे बाद लै लवेंगे पहले तो किराए तो लैके रेंदे रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो चैनल थोड़ा बहुत ग्रो कर गए उस तू बाद फिर बंदा उत्थे अपना कोई घर लै लैंदा है जमीन वगैरह लैके आंदा बना लैंदा है शायद जी अग वगैरह बाल रही है अम्मी जाने तो डकरे वगैरह कर रही है नेगियाँ अज अम्मी जान की पकन लगे देसी तोरी अज देसी तोरी पकन लगी आ ते ए भी जाके सुबह सुबह मैं सब्जी लै आया सामने अंकल ने उन्हां कोल तो हूँ डेली जी सब्जी उन्होंने को लैनी पैनी लेकिन देवन के रहत क्योंकि उन्होंने पता है दुकानदार ने इन्होंने पता है कितने एक छापर मिलता है क्योंकि जो देसी तौरी तो छापर है तकरीबन 100 रुपए का 80 रुपए का भी मिल जाता 50-50 रुपए तक कभी सेल लग जाती जो अमरूद का डब्बा नहीं आता दुकाना तो डब्बे होंगे ने गे जिस तरह वो चिकू हैगा वो जो चिकू भी कितने 70-80 रुपए का हूँ विकता है मंडी के अबू जान कल मैं दस रहे थे कि चीज़ा सस्तियाँ ने गिया विकदियाँ भी महंगी ने बचत का नहीं पता चलता कितने जा रहा पैसा कोई पता नहीं। तो तीसरे चौथे दिन बाद अबू जान ने किसी ने किसी बंद को उतारे लैके पैसे वे फिर दुकान दे पाने में वो बंदे पिछले लग जाते इस वजह तो दुकान छड़ी है। तो अल्लाह पाक करम करेगा बाकी परेशानियाँ जड़िया ने गिया सारिया टलन गिया तो हूँ फिर अम्मी जान जी खाना वगैरह पकादियाँ ने गिया खाना खुना खावे तकरीबन 1:30 बजे बिजली वगैरह चली जानी है 2:30 बजे तक अपना खाना भी मसे पकना है जो तो फिर बिजली आएगी ना उदो खाना वगैरह खा के जावे खाना पका के बच्चे को खवा देवे तेरे पूरे मिनट 2 मिनट आराम कर ले सी दोपहर का चलो ठीक है। तो बाकी अबू जान जेड़े हैं भी डांट के मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पे तुसी ना सपोर्ट लाजमी करनी है अबू जान नु ना कामयाब सी लाजमी करना है
मेरा चैनल चाहे ना ही कामयाब हो अबू जान डेली दे 7-8,000-10,000 व्यूज भी आवन लग जान आहिस्ता आहिस्ता जे इन अच्छी खासी अर्निंग आवन लग जाएगी तो फिर अपना यह चैनल है उन्हें तो अपने कर्जे वगैरह उतार सकेंगे। वैसे अगर डेली दे सानू आवन 30,000 व्यूज तो सानू घर की भी कोई परेशानी होनी असी अपना घर भी बना लेना। तो मैं कहना तकरीबन 5 महीने के अबू जान तो सारे कर्जे लै जाएंगे अच्छा खासा साडा घर भी बन जाएगा अगर डेली दे 30-40,000 व्यूज आवन लग जाते हैं तो माशाला 30-40,000 व्यूज से काफ़ी अर्निंग आ जाती है। अल्लाह पाक कभी इतने व्यूज ही लै आएगा साड़ी भी ख्वाहिश हैगी क्योंकि मैं तकरीबन 2.5 साल होने वाले ने 10,000 सब्सक्राइब हो जाने के तो हूँ तो डेली दे 2,000-2,500 व्यू आते हैं वो भी बड़ी मुश्किल ना तो जो 2,000-2,500 व्यू आते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश भी होना आ गया कि चलो अज 2,000-2,500 व्यू आ तो गए ने ना कभी कभी तो उंज भी 1,000 व्यूज आते हैं कि यह तुम ना वाच की करो डेली की वीडियो अभी बहुत ज़्यादा खुश होने जो सू ज़्यादा व्यूज आते अगे शेयर भी करता करो अगे रिश्तेदार व्हाट्सएप से ना एक वीडियो जो मैं अपलोड करना ना फॉरन से क्लिक करो ना तो फॉरन जिमें मैं अपलोड की 1 मिनट के भी व्यूज आ जाते हैं फिर उन्होंने यूट्यूब अगर रिकमेंड करता है फॉरन जिमें वीडियो मैं अपलोड करना फॉरन से उन्होंने क्लिक कर लो ना फिर यूट्यूब भी अगर रिकमेंड करेगा कहेगा फॉरन क्लिकिंग हो रही है तो कोशिश यही की करो जो वीडियो अपलोड करा फॉरन से क्लिक कर लिया करो। चलो ठीक है अम्मी जान खाना वगैरह पकाते हैं गए तो मैं हूँ जा अंदर बहना गया धुप बहुत ज़्यादा लग रही गर्मी बहुत ज़्यादा हैगी अज तो उधर मोटरसाइकिल इन शाला तारा ने 2-3 दिन मैं काम करा लगे आ गया इंदा लाजमी काम कराना है क्योंकि ना पिछुन इंजन के अजीब जी आवाज़ आवनी शुरू हो गई ने क्योंकि काफ़ी किलोमीटर चल गया होगा इतना मोटरसाइकिल चलिया हो तो उनकी कोई ट्यूनिंग वगैरह ना ही सिया देखो 4,700 किलोमीटर चल गया है 8 किलोमीटर सिर्फ गया है तो इनकी ट्यूनिंग वगैरह नहीं हुई है एक बार बस ना इंजन का ऑयल चेंज करवाया प्रीशा जी बर्तन वगैरह लैके आ गई है कोल बोनी वगैरह ला ली अम्मी जान जी और डकरे वगैरह कर रही ने माशाला जी ए तो प्रीशा जी कोल खलो के सालन पका रही है तो आयशा न कोल आटे गुन्न लाया सारे तू आटा गोल ला अम्मी जान जी अम्मी ने कहा चलो मैं कोल सालन पका ली प्रीशा ने कहा नहीं मैं सालन पकावगी तो उधरों दानों के मैं दसिया नहीं है रात ला दीना दादी जान की भी तबीयत काफ़ी खराब है कि उन्हें मेदा बंद हो गया सीगा तो मैं खुद समझी फिरदा से मेरा ना मेदा बंद अम्मी जान कह रही थी हसन तेरा मेदा बंद था तेन पता चलिया दादी जान दस रही थी अम्मी जान उन्होंने उन्हें राती ना काफ़ी तबीयत खराब हो गई हैगी तो अम्मी जान उन्हें जिम्मे पता चलिया सुबह सुबह गए थे तो उधरों भी होने रात में वेख लो ना इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी तो साढ़े उन्होंने कॉल तक नहीं की क्योंकि वो सुकून ना सोरे होने के तो असं उन्हें क्यों नींद खराब करिए तो खुद डॉक्टर नू कॉल करके घर सदवा के तो उन्होंने चैकअप वगैरह करवाया फिर दवाई वगैरह दे उन्होंने काफ़ी ज्यादा आराम वगैरह आ गया है तो अल्लाह पाक का शुक्र है चलो अल्लाह पाक ने ना कह रहे थे तबीयत काफ़ी सीरीयस हो गई हैगी तो हूँ तो काफ़ी बेहतर हैगी हूँ जो घर फिरते दादी जान और उधर जाना है सैकेंड टाइम ना दादा जान और जो इन्हें ट्यूशन छड़न जाना प्रीशा और उधरों ने घर की सफाई वगैरह भी करनी अम्मी जान ने उन्होंने कहा है कि अंदर ना ज़्यादा ये चूहे होंगे ने गे चूहे बहुत ज़्यादा हो गए उन्होंने घर के कह रहे हैं कि जड़िया सोतां वगैरह ने उन्होंने टुकी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं तो उन्होंने लभ लभ के मारना है जेड़ी जिथे जिथे होया ना उतो लभ लभ के मारने ने गे एक एक चूहा मार देना अज जाके तो देखना असनैन तेरे इतनी सोटा पताना एडा चूह मारना ठीक है ना चलना गे फिर सैकेंड टाइम एक बार तो हूँ खाना वगैरह जोड़ा है पकाते ने खा के ना तो चलने खाला जान और हाली तक बिजली तो नहीं गई पता नहीं 1:30 बजे भी है कि नहीं वेखने का टाइम चल के तो टाइम 1:05 होने गए उधरों इमान फातमा जी सफाई कर रही है टैलों की चलो आ सारिया मेहनत कर लगी कभी कभी तो उंज बह जा ने घर कभी कोई चीज़ तोड़ देनी है कभी कभी कचरा मचा लग जा ने घर कभी कभी सफाई करा लग जा असनैन जरा अपना सप ले अगले दिन असाले मैं वो जो सप वेख्या रोड से जा रहा है तो अगो लंघ गया तो उस दिन अम्मी जान कहदिया कि एक कहावत एक बनी हुई जिंदा ना सप रस्ता कट देवे ना जो लग जाए अगू सड़क तो किधरे कहें उनका दुश्मन होंगे हैगा कि किसी ने लड़ाई वगैरह उस दिन बन जाती हैगी तो उस दिन मैं किसी नाल समझ लो कि ज़्यादा ना गल वगैरह नहीं की मैं हो लड़ाई वगैरह ना बन जाए तो बाकी वैसे एवें कहावत ही बनी हुई मेरे सामने वो जो कोई होंदा नहीं है कि जिमें सप अगू लग गया वैसे तो यह पुराने बंद कहावत ने गियाँ कि फलानी शह अगू राह कट गई तो इंज हो जाने लेकिन होंगे इंज नहीं है तो
प्रिशा जी मारे लगी हुई है इन्हें पा तो तू डे वगैरह त्याली तक नहीं पैने बुनना इन वाले बुनना थले आग भी बाहर बाकी सालन प्रिशा ने पकाता है उधरों आयशा ने कोल बालन वगैरह पाया आ गया कहते उधर अम्मी जान जी हूँ फिर रोटियां ला लगी इन्नी वीडी रोटी नहीं अम्मी जान पेड़ा वड्डा करके रोटी वड्डी लग रही या वैसे लग रही होनी क्योंकि अपना दो दिन तो विचू वैसे भी दूसरा होटल तो लैके खाधी है क्योंकि एक दिन तो आटा कौन नहीं पीस हुआ एक दिन तो मजबूरी है कि लैना जाके लैनी पेगी उदो पक्की कोई नहीं आएगी लेट हो गई रोटी हाँ तो उधरों बिजली हाली तक नहीं गई ऑन हो वैसे जो खाला जाने उन्हें घर जाइए उदो बिजली ना चली जाए तकरीबन अगर डेढ़ बजे चली जाती है तो अज नहीं गई डेढ़ बजे बिजली लेकिन रोटियां वगैरह खा के चलने ना पजे रोटी पानी खा के बच्चन खवा के मुड़ा पर फ्री होना मोबाइल से जो कुछ टाइम माना ही पेड़ बैठ जैसा हाँ उधर आज पूछा कि जवेरिया को अगर जवेरियन जाना तेन ला जावा कल मारिया ने छाड़ आया सी कहती छोटी सिस्टर सी बाकी अम्मी जान रोटियां पका के आ गए सारे उधर बाहर खाना दे के मैनू नहीं तुसी देना ठीक है मेरी वाला रोटी दो मैं बैग खा लें हाँ वह सारे जाके मुँह हाथ धोते फिरते ने देखो सामने ਅਬੂ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਇਆ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾ ਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲਣੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਣੇ ਆ ਗਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੇ अलहमदुलिल्लाह जी खाना सी सारे जने ने खा लिया है तो उधरों हूँ फिर चलना आ गया खाला जाने वाले हो जाने जल्दी जल्दी उधर बिजली जी भी चली गई हैगी उम्मीद है कि कोई ना जाते तक ना बिजली भी आ जाएगी थोड़ी जल्दी हैगी क्योंकि ना उधरों वापसी से आके ना तो जाके नूर और जो ट्यूशन छड़े तकरीबन 2:17 से बिजली गई है टाइम तो कौन सी जामन का या 2:30 जानी सी या 3:30 जानी है चलने खाला जाने तो चल के वेखने उ घंटा कमावे अगर आ गई तो आ गई सुना है तो ना ही फिर हाँ कुछ आंदे आंदे उधरों फिर 4 ना नहीं आके छड़ना 4 तो वेख लवेंगे तो उधरों जवेरिया जी इन अज लै जाना कह रही मैं भी जाना है अपने घर तो चलने चल के इन्होंने छड़ आने आगे उधरों वापसी से आके फिर दादा जाने वाले जाना अम्मी जाना आप जल्दी जल्दी वो करना हाले तक दादा जाने वाले जाना जाके उन्होंने वो सफाई कर देनी उधर जे चूहे ने अज होनी छड़ने आवा हां हां तेरे दादा तेरे बू ने आता भी सारे जन रल के ब्याह सानू सारे सफाई करके बिस्तरे सारे बाहर काट के उन्हें सफाई करके छांड के अंदर रखने लगे ते वो जेडी ने चूहे ने सारे ने उन्होंने भी मारने मैं पे बिल्ली ला जाओ थने छड़ दियो हां ते वो जे नापे बिल्ली दे चले नापे नास जाना है नास जाना ते वो तेरे घर दे विच ना आ जिवें साडे को बिल्ली फिरदी है इत्थे ए हाल जी बिल्ली है इनू लै जाई देखो ज्यादा इतनी डरदिया नहीं समझ लो कि घर के अगर इन फड़ा तो मैं सुकून ना आ जानी तो यह एक और भी साढ़े ले फिर दो बिल्लियां जी समय पालतू फिर नहीं गए चूहिया उन्हें गारे चाह दें लेकिन चाचू जाद और बिल्ली नहीं हैगी क्योंकि उन्होंने डॉगी है तो दादा जान उन्होंने वैसे नहीं बिल्ली रखी हुई क्योंकि नवी नवी मार्केट बनी बिल्लियां वगैरह नहीं है यह पिंड है इतने ना हर घर के दो तीन बिल्लियां ने साढ़े घर ही दो बिल्लियां ने गियाँ सुकून न रहा ने गवंढ़िया वाढ़िया लिए खा खू लेंदियां ने साढ़े घरों खाना वगैरह खा लेंदियां ने इस तरह समझ लो अगर कोई चीज़ ना मिले तो फिर कोई किसी कुकड़ फड़ लेंदियां ने गियाँ किसी चूजा फड़ लेंदियां ने फिर किधरे तो बाकी चलने हूँ फिर अम्मी जान आज चली अपन जल्दी जल्दी हो जाइए उधरों बाकी हूँ फिर चलने तो जवेरिया हूँ कोई नहीं जाओ तो बिजली भी आ गई हुई हैगी भी खुशखबरी चलने हूँ फिर जाके जल्दी जल्दी हो जाने खाला जान हो गर्मी बहुत ज़्यादा है दोपहर का टाइम ही होता गर्मी ज़्यादा होती है तो देखो माशाल्लाह लगे टप्पिया वास्ते ना छां बनी हुई है बकरियां वगैरह खड़िया ने बड़े भाई उ खड़े ने माशाल्लाह मझां वगैरह चल दी फिर ने अगे कोई नहीं इन्ना सफर रह गया तकरीबन 3-4 किलोमीटर ही है देखो तुसी एक छोटा जा बेटा है गा, एक माँ है कि जे ना उसे अमरूद की छोटी छावनी ला के बैठे ने अमरूद जो फ्रोत कर रहे
शेर के कुर्बाने अलग अलग ना समझ लो के वो शेर जेड़ा सीगा वो ना दादा परदादा उनके नाल बड़किया दे नाल तू खेल दा नाल बन जांदा फिर ओ तू आगे फिर और करे पेंट बन भी गया ना ते ना ही रखना शेर के कुर्बाने ना सजा करना है ते ए छोटा जे ते स्कूल है का माशाल्लाह प्राइमरी स्कूल बनया होया पढ़ाई वगैरह दे ते समझ लो के सारा इंतजाम है चार ट्रैक्टर ने एक खालू जान चलाने ने तीन कोई और चलाने ने आ गया खालू जान और छोटा जे घर है इतने खाला जान उन्होंने आ गया आ लो मैं छत चढ़िया आ गया क्योंकि मेरे वट्सएप से आया से दो मैसेज वो मैं वेखन लग गया आ गया तो मैसेज ही कुछ सके सरप्राइज थोड़े वास्ते है अगली वीडियो लाग नहीं तुम दसागा और डाउनलोड करके सुने नहीं है सिग्नल वगैरह इतने ना समझ लो माड़े मोटे जड़े ने ई प्लस आते हैं वो भी इतने छत खोलते हैं टेलीनार के तो बिल्कुल नहीं आते छत्तों पर भी तो जैसे माड़े मोटे तो सिग्नल आ जाते हैं तो बाकी इधर जो मेरी नज़र पई ना मैं डर गया मैं नाल तारा लगी हुई फिर वेख्या थले मीटर भी लगे मैं वो ना दो नंबर तरीके लगी हुई तो बाकी इधर सामने सारा डेरा वगैरह है तो खाला जान घर है नाल इधर खाला जान तो सहरिया का घर है हाँ देखो तो मैं अगे पता कितों चढ़िया इस जगह पर तो हूँ इतों ही वापस लैंना गया थले चल को बहना छाते तो इन्हें तो पूंड बहुत ज़्यादा रेंदे ने गे हूँ लाड़ी ने जान चलना थले खाला जान इन्हें छत्त बड़िया लीदी हुई ने देखो माशाल्लाह बड़िया मजबूत ने गी हालांकि कच्चिया छत्त ने हल्दिया होंदिया ने गिया लेकिन यह नहीं हल्दी चलो थले कि यकीन कोठियाँ बंगले महल बंदा बना लवे उन्हें जितना ज़्यादा सुकून नहीं होंगे जितना छोटे जे घर के आंदा है फैमिली भी छोटी जी हो तो छोटा जहा घर हो इस तरह साफ सफाई हो जिस तरह माशाल्लाह खाला जान ने रखी हुई है हाले तक तो तुम्हें पता ऑपरेशन होया खाला का उस तो बाद खाला इतनी सफाई का ख्याल नहीं रखती है ए देखो भतीजा पे थलों तला अगे तुम्हें पता है कि तीसरे तो चौथे दिन बाद खाला ने लाजमी लिमना होंगे सी उदन की एक और मौज हैगी कि घर के बच्चे अगर एक दरख्त लगे हो दरम्यान तो उनकी छां होंगी पूरे घर के हवा खुले तो ठंडी ठंडी लगती हैगी फ्रैश कुदरती हवा ये नहीं कि हम कोठियाँ मंगले आते लगे होंगे ने ए सी इतने ए सी लगे होने देखो ना हाल रहे हैं हलन ना सानू ही थले हवा आ रही है माशाल्लाह बड़ी ठंडी हवा आ रही है इदा देखो खाला जान जे ने सहरे उन्होंने कि बड़ा सूत लगे हुआ है इन भी बहुत ठंडी हवा थले ना निघी छां हैगी बैठे हुए ने बाकी मौज जी ना यकीन कर रही है सुकून हैगा वह योजे छोटे घर है फैमिली जी है तुम पता खाला जान छोटी जी हैगी बेटियां बेटे ना छोटे ने इस वजह तो कचरा वगैरह नहीं करते साढ़े घर कितना ज़्यादा कचरा होंगे है सिर्फ वह स्नैन और तबाही पाट देने चीज़ों की तो इन बेटियां जीडिया ने कबड्डी हैगी साढ़े लिए फिर आज सच्ची वो नहीं आई हैगी उन्हें कहा मैं नहीं जाना है मैं फिर चली जावे मैं क्या चलो ठीक तेन सुबह लै जावे तो बाकी हूँ फिर विलाग जरा मैं तो खत्म कर लगे तुम अच्छा लगे लाजमी चैनल सबसक्राइब करना वीडियो लाइक करना दोस्तों शेयर ही करना उधरों ना अज दादा जान और घर एक चूहा भी नहीं छड़ना सारे मार देने ने गए बस देखे जे तो अगले विलाग की पता तुम एक सरप्राइज मिले हो सकता है सो भी लाजमी वेखना है खुदा हाफिज़।